दोस्तों अभी रिसेंटली Amazon की साइट से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, लाइक Amazon.in उसका जो सेलिंग वेबसाइट है वहां पे कोई भी सर्च अपने सर्च करते हैं तो आपको वो पॉइंट पूरा हाईलाइट होकर दिख जाता है, वो सेलर को कैसे बेनिफिट कर सकता है, अपने ऑर्डर्स कैसे इंक्रीज हो सकते हैं, तो पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं क्या क्या अपडेट है और सेलर को कैसे बेनिफिट कर सकता है। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, मैं ई कॉमर्स सेलर हूँ। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। दोस्तों यहाँ पे अपडेट की बात करूं तो वो जो इसका अपडेट आया है वो है बाइंग पोर्टल पे। बाइंग पोर्टल यानी कि Amazon.in, यहाँ से कोई भी परचेस कर सकता है। लाइक अपने सेलर है तो अपना कौन सा आता है, सेलर सेंट्रल डॉट Amazon.in आता है, पर किसी को अगर परचेस करना है प्रोडक्ट Amazon से तो Amazon.in से वो परचेस करता है, राइट। तो वहां पे उसका अपडेट आया है सर्च टर्म के रिगार्डिंग। सर्च टर्म यानी कि हम कोई भी चीज Amazon पे सर्च करते हैं तो पूरी वहां पे हाईलाइट होकर भी दिख जाएंगे लिस्टिंग के अंदर, हमें जो सेम टू सेम वर्ड एक्जेक्टली मैच हो रहा तो वहां पे वो हाईलाइट होकर दिख जाएगी। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, राइट। तो अभी मेरा जो मतलब यहाँ पे बिजनेस अकाउंट है उसके अंदर तो अपडेट नहीं आया, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड सर्च करता हूँ, आई स्टे करके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो नॉर्मल यहाँ पे देखो तो कोई भी मतलब हाईलाइट होकर नहीं आ रहा, बोल्ड होकर नहीं आ रहा, बट वही चीज मैं आपको इनकंटिन्यू मोड के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सेम चीज सर्च करता हूँ आई स्टे, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखो मैंने आइस ट्रे सर्च किया तो देखो आइस यहाँ पे बोल्ड में हो गया, आइस यहाँ पे बोल्ड में हो गया, ट्रे वर्ड यहाँ पे रिपीट हो रहा था वो भी यहाँ पे बोल्ड में हो गया, राइट। देख पा रहा हमने जो यहाँ पे सर्च किया था वो यहाँ पे क्या हो गया, बोल्ड हो गया। देखो इसके अंदर भी देखो तो यहाँ पे आइस लिखा वो भी बोल्ड हो गया, ट्रे लिखा वो भी यहाँ पे बोल्ड हो गया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि कस्टमर के सामने जो भी सर्च कस्टमर कर रहा है वो उसके सामने हाईलाइट होकर दिख जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है कि कोई कहीं पे भी आप जाओ, जैसे कि कोई मॉल के अंदर गए, आप सुपरमार्केट के अंदर है, वहां पे आपको जो भी चीज चाहिए आपके सामने दिख जाए तो कितना हो जाएगा, मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा डिसीजन लेने के लिए। तो सेम टू सेम चीज यहाँ पे होगा, कोई भी पर्सन आएगा यहाँ पे सर्च करेगा तो उसने पर्टिकुलर जो भी कीवर्ड उसने सर्च किए वो उसके सामने हाईलाइट होकर आ जाएंगे, राइट। तो इससे क्या होगा यहाँ पे क्लिक होने का चांसेस बढ़ जाएगा, हाईलाइट होकर उसको कौन सी चीज दिख रही, जो चीज उसने सर्च किया था, जो चीज या तो कोई भी प्रोडक्ट वो परचेस करने के लिए आया था वही उसी के बारे में उसको क्या हाईलाइट होकर सारी चीजें दिख रही है, तो यहाँ पर क्लिक होने का चांसेस बढ़ जाएगा, राइट। तो उसमें क्या डिसीजन मेकिंग चांसेस, उसका जो प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का वो पूरा यहाँ पे फास्ट में हो जाएगा, तो कस्टमर यहाँ पे तुरंत ही उसको परचेस कर लेगा क्योंकि उसको जो भी एक्जेक्टली जो चीज चाहिए थी वही चीज उसको हाईलाइट होकर वहां पर मिल जा रही है, तो यहाँ पे डिसीजन लेने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। ऐसी सेम टू सेम चीज दूसरे भी काफी सारे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दो रुपए आपको बताओ, जैसे कि लिंक्डइन है, यहाँ पे कोई भी चीज हम सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ई कॉमर्स वर्ड अपने यहाँ पे सर्च करते हैं, राइट। तो ई कॉमर्स वर्ड हमने जैसे यहाँ पे सर्च किया तो जो भी प्रोफाइल के अंदर मैच होता होगा वो क्या वहां पर क्या हो जाएगा, बोल्ड होकर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ई कॉमर्स सर्च किया अब ये पर्सन की प्रोफाइल के साथ ई कॉमर्स मैच हो रहा, देखो यहाँ पे ई कॉमर्स बोल्ड के अंदर आ गया, इसकी प्रोफाइल के साथ भी मैच हो रहा, तो यहाँ पे ई कॉमर्स मतलब बोल्ड होकर आया, तो यहाँ पे क्या होता मतलब यहाँ पे क्लिक होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ई कॉमर्स मुझे यहाँ पे हाईलाइट होकर दिख गया, मुझे ई कॉमर्स के रिगार्डिंग थी। तो इसी तरह Amazon पे क्या होता है, कोई कीवर्ड सर्च करता है, कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सर्च करता है, वाटर बॉटल हो गया, लाइक शॉपर हो गया, या दूसरी जो होता है क्लोथिंग के हो गया, गारमेंट के रिगार्डिंग प्रोडक्ट हो गया, होम एंड किचन की प्रोडक्ट हो गया, तो बहुत ही सारी प्रोडक्ट वहां पे होती है, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट के लिए वो कीवर्ड सर्च करता है वही उसको हाईलाइट होकर वहां पे दिख जाता है, तो यहां पे डिसीजन बनाने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये था कमाल का अपडेट Amazon की तरफ से, ये चीज आपको दोनों जगह पे देखने को मिल जाएगी। कोई पर्सन अगर वेबसाइट का यूज करके परचेस करता है तो वहां पे भी उसको हाईलाइट होकर चीज दिखेगी, सेम टू सेम चीज एप्लीकेशन के अंदर भी Amazon ने इसको अप्लाई कर दिया है, कोई भी पर्सन एप्लीकेशन का यूज करके कोई सर्च करता है तो वो चीज भी उसको वहां पे हाईलाइट होकर वहां पे दिखेगी, तो दोनों जगह पे ये चीज उसने अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे अपने एज ए सेलर या अपने यहाँ पे ऑर्डर बनने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो चीज सर्च कर रहा वही चीज उसको एग्जैक्टली उसके सामने हाईलाइट होकर आ जा रही, तो डिसीजन क्विकली बनाएगा, बहुत स्पीड में बनाएगा, तो यहां पे अपने नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप था Amazon की तरफ से जो ऑलरेडी वेबसाइट पे लाइव हो चुका है। ऐसे ही और ई-कॉमर्स के आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ई-कॉमर्स के रिगार्डिंग में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। बस आज के इस वीडियो में इतना इंफॉर्मेशन था, आप इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएं, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।